Hello students, from today I will start your revision for your first exam UT1. Before start your revision, I will tell you your date sheet. Okay, and this is also available on your school website. Your exam will be started from 13th June and for class 7th your timing is 9:30 to 10 a.m. means half an hour, and for class 8th your timing is 10 to 10:30. Okay, this is also for your half an hour, means aapke UT exam start honge 13th June se. उससे पहले मैं आपको जो भी आपके चैप्टर्स आएंगे एग्ज़ाम में उसके रिवीजन कराऊंगी, ग्रामर के भी चैप्टर्स और लिटरेचर के भी. ओके, एंड फर्स्ट थिंग इज़ दैट प्लीज़ कंप्लीट योर रिटन वर्क, देन यू विल रिवाइज योर चैप्टर्स ऑफ लिटरेचर एंड ग्रामर. अगर आप काम ही नहीं नोट डाउन करोगे फेयर नोटबुक में, तो आप उसको लर्न कैसे करोगे? सो प्लीज़ राइट डाउन योर ऑल वर्क इन योर फेयर नोटबुक, then you will revise the chapters. If you have any problem, if you have any doubt in any topic, then you will ask, or you will ask in comment. Okay, I will reply. Now today we will start revision of articles. हमने सबसे पहले English grammar में first topic किया था articles का. Okay, आर्टिकल्स मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करवाए थे. मैंने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की है, उसमें सारे, अगर पीडीएफ नहीं है लेकिन आपके पास वीडियो होगी, ठीक है, उस वीडियो का, उस वीडियो में सारा, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, एवरी रूल आई विल एक्सप्लेन इन, आई हैड एक्सप्लेन इन वेरी माइन्यूटली. सो प्लीज़ रिवाइज दीज रूल्स एंड डू प्रैक्टिस. ओके, मैं एक बार दोबारा से आपको सारा रिकॉल करा देती हूँ. जो भी मैंने आर्टिकल्स में आपको समझाया था, इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी. और मैंने एक वर्कशीट तैयार करी है आपके लिए, उस वर्कशीट को आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए करना है, ठीक है. उससे पहले प्लीज़ अपनी डेट शीट देख लीजिए, 7th class एंड 8th class. प्लीज़ बोथ ऑफ यू see your date sheet. It is available on your school website. I also given you your date sheet. Okay, see this. Class 7th, your syllabus is lesson 1 and lesson 2 of Honeycomb, lesson 1 and lesson 2 of Supplementary Reader, and in grammar, articles and conjunction. Okay, and for class 8th, your syllabus is lesson 1 and 2 of Honeycomb and lesson 1 and 2 of Supplementary, and for grammar same topic, articles and conjunction. Okay, so please learn these chapters and do practice. Now articles, देखो इसमें मैंने आपको बताया था ए, एन और द, ये सारे आपके आर्टिकल्स हैं, ठीक है. आर्टिकल्स हमारे दो तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल आपका द होता है, जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल वो होता है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के लिए यूज़ नहीं होता है, जैसे कि ए और एन. देखो जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उनको आप लेके बैठो, और जो मैं बोल रही हूँ वो उसमें आप देखते जाओ, ठीक है. इससे ईजिली आपको रिवाइज हो जाएगा. उसके बाद मैंने ए पार्ट करवाया था, द सिलेक्शन ऑफ ए और एन. अब देखो ए और एन का कहाँ यूज़ करते हैं. ए हमारा कॉन्सोनेंट साउंड में यूज़ होता है, जब आपकी कॉन्सोनेंट साउंड आए, मीन्स आपने हिंदी में पढ़ा हुआ है, ठीक है, व्यंजन के बारे में, मीन्स इंग्लिश में आप वोवल्स को जानते हो, ए ई आई ओ यू, इनके साथ एन लगाया जाता है, और बाकी जितने भी बच गए आपके उनके साथ आपका ए लगा, मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड आए तो वहाँ पे आप लगाओगे ए. फॉर एग्ज़ाम्पल ए बॉय, बॉय ब, ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आई बी, ठीक है, हिंदी में ब, तो क्या लगाया हमने ए. अ मैन, अ ह्यूमन बींग, तो इन सब के आगे क्या लगाएंगे ए. ओके, ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद एच एंड ऑल्सो विद वाई एंड यू. अगर आप, अगर आपका एच वर्ड शुरू हो रहा है स्टार्टिंग में, अगर आपका वाई से स्टार्ट हो रहा है, जैसे हॉर्स है, यंग है, वाई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यूरोपियन है, ठीक है, मीन्स इसमें साउंड आनी चाहिए इनकी,
य, य की साउंड आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, अ यूरोपियन। इसमें लिखा तो ई हुआ है, लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना कि ए ई आई ओ यू वोवल है तो आप एन लगा दोगे, वो गलत हो जाएगा। आपको वोवल पे ध्यान नहीं देना, आपको साउंड पे ध्यान देना है। अगर वोवल की साउंड आती है तो आप एन लगाओगे, अगर कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो ए लगाओगे, ठीक है। यही आपका डिफरेंस है दोनों में। देखो जैसे नेक्स्ट रूल है आपका, एन इज़ यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ वोवल साउंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये भी आपको वोवल साउंड पे ध्यान देना है। हमारे यहाँ भी एच से ही स्टार्ट हो रहे हैं सारे वर्ड, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है इसकी इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, तो इसमें साउंड कौन सी आ रही है। अगर वोवल साउंड आती है तो एन का यूज़ करोगे, अगर कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो इसमें आप यूज़ करोगे ए का, ओके। एन आर, आवर, देखो इसमें आ आवर, ठीक है। ऑनर, ओ, ओ की आवाज़, अ, ठीक है। ओनेस्ट, ओ, तो यहाँ पे सब में किसकी किसकी साउंड है, वोवल की साउंड है, दैट्स वाई वी विल यूज़ एन, ओके। अब उसके बाद इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल आपका यूज़ होता है जैसे हम किसी एक पर्सन के बारे में बात करें, किसी एक चीज़ के बारे में बात करें, ए, जैसे कि इनडेफिनेट आर्टिकल में आपके ए और एन आते हैं, ठीक है। और जैसे आप एग्जांपल देखो, आई मेट अ फ्रेंड, मैं एक दोस्त से मिला, ठीक है। तो मतलब उसके फ्रेंड्स तो बहुत सारे हो गए, लेकिन उसमें से किसी एक दोस्त से मिला, तो इसलिए क्या लिखा, ए फ्रेंड। आई रीड अ नोवल, मैंने एक नोवल पढ़ी। तो देखो यहाँ पे एक नोवल पढ़ी है, नोवल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन नोवल्स में से एक नोवल पढ़ी है तो अ नोवल। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास और इन द सेंस ऑफ ऑल और एनी। होल क्लास जो पूरे ग्रुप को डिनोट करे, सभी के बारे में बताए या किसी के बारे में बताए, तो वहाँ भी आप क्या यूज़ करोगे, ए। अ स्टूडेंट शुड बी ऑबिडेंट, अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को ऑबिडेंट होना चाहिए। ऑबिडेंट मतलब उसको कहना मानना चाहिए जो उसको उसके पेरेंट्स कहें या उसके टीचर्स कहते हैं, तो वो चीज़ें उसे फॉलो करनी चाहिए। तो अब एक स्टूडेंट भी हो सकता है यहाँ पे, या सारे स्टूडेंट्स के बारे में भी बात हो रही है यहाँ पे, या किसी भी स्टूडेंट के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट अ प्रॉपर नाउन इंटू अ कॉमन नाउन। अब यहाँ पे प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में यूज़ करें। जैसे मैंने बोला ही इज़ अ गांधी, वह गांधी है, वो गांधी नहीं है लेकिन वो गांधी की तरह है, ठीक है। मीन्स उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो कि गांधी जी में हैं, तो इसलिए उसको कंपेयर किससे किया है, गांधी से। तो यहाँ पे गांधी तो प्रॉपर नाउन है लेकिन इसको कॉमन बना दिया यहाँ पे, ठीक है। मीन्स प्रॉपर से कॉमन में बना रहे हैं क्योंकि किसी पर्सन को बोला जा रहा है कि वो गांधी की तरह है, वो गांधी है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन, गांधी तो एक ही है इस दुनिया में जो थे, ठीक है। तो गांधी प्रॉपर नाउन हुआ, एक जो मतलब इस दुनिया में एक ही है, ठीक है, तो वो प्रॉपर हो गया, ठीक है। कॉमन जो कि आम है, ठीक है। तो गांधी यहाँ पे क्या है, एक बहुत ही बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, तो लीडर तो कोई भी हो सकता है, कॉमन नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन को हमने बना दिया कॉमन नाउन। नेक्स्ट फोर्थ, इट इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ वन। अगर हम वन की सेंस में, एक की सेंस में बात करें कि मुझे एक बुक दो, गिव मी अ बुक, गिव मी अ पेन, तो एक के बारे में बात हो रही तो अ लगा हुआ। विद वर्ड्स, जैसे हमने वर्ड्स यूज़ किए लिटिल और फ्यू, लिटिल और फ्यू हम जब यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम हमेशा ए आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। अगर हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट में एक्सक्लामेशन का साइन है और कुछ मतलब हैरानी वाली बात है, वंडरफुल, कोई ऐसी कोई बात हो रही है कि हमें बहुत ही ज़्यादा कुछ हैरानी हो रही है, ठीक है। तो व्हाट अ प्रीटी गर्ल, व्हाट अ प्रीटी गर्ल मीन्स कितनी सुंदर लड़की है, व्हाट अ क्लेवर बॉय, कितना चालाक लड़का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या आर्टिकल लगाया, ए आर्टिकल लगाया। इन सर्टेन एक्सप्रेशंस, जैसे इन चीज़ों में भी आपका ए लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल, कपल, डजन, हाफ अ डजन, क्वार्टर, स्कोर, थाउजेंड, मिलियन, लॉट ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ, ग्रेट मैनी, इन सभी के साथ ए लगेगा, ए कपल, ए डजन, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ए और एन जहाँ पे यूज़ नहीं होता। अब देखो, ए और एन कभी भी प्लूरल नाउन के साथ यूज़ नहीं होगा। जैसे आपके डॉग्स हैं, बुक्स हैं, गर्ल्स हैं, इनके साथ ए और एन यूज़ नहीं होगा, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। विद अनकाउंटेबल नाउन्स, मीन्स ऐसी नाउन जो जिसको हम काउंट
नहीं कर सकते, ठीक है, वहाँ भी ए और एन का यूज़ नहीं होगा। जैसे एडवाइज़ है, किसी को आप सलाह दे रहे हो, न्यूज़ सुना रहे हो, पोइट्री सुना रहे हो, क्या इनको आप काउंट कर सकते हो? 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो यहाँ आप कभी भी ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे, ये आपके एज इट इज़ लिखे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि न्यूज़ है, लगेज है, बैगेज है, वर्क है, नॉलेज है, पोइट्री है, ये सब नाउन्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं विद मटीरियल नाउन्स। मटीरियल मीन्स जो कि किसी मैटर से बनी है, ठीक है, जैसे वुड है, कॉफ़ी है, मिल्क, क्लोथ, ग्लास, वीट, स्टोन, इन सभी के साथ, ठीक है, ये जितने भी एग्जांपल्स हैं इनके साथ ए और एन का यूज़ नहीं होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, ये वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं एक डिफरेंट मीनिंग की तरह, कभी कभार मीन्स सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि इनके साथ कभी कभार ए और एन यूज़ हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट अ पेपर, मुझे एक पेपर चाहिए, मीन्स पेपर चाहिए, कैसा पेपर, इसका मतलब ये है कि उसको न्यूज़पेपर चाहिए, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, ए आ गया। आई यूज्ड एन आयरन, अब देखो यहाँ पे किसी मेटल वगैरह के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है जो कि आप प्रेस करते हो, अपने कपड़े प्रेस करते हो, ठीक है, आयरन से, तो यहाँ पे उस आयरन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे इसलिए हमने लगाया आई यूज्ड एन आयरन। विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होती है, जहाँ पे हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, एक्शंस, क्वालिटी, इन सब के बारे में बात होती है, तो वो हो जाती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जहाँ जिसमें हमारी फीलिंग्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि हैप्पीनेस है, ब्यूटी है, लव है, हेट, फियर, इस तरह से ये सब चीज़ें जो हैं इनके साथ हमारा कभी भी ए और एन का यूज़ नहीं होता। विद द नेम्स ऑफ मील्स, अगर मील्स के बारे में बात हो रही है, जैसे कि डिनर है, सपर है, लंच है, ब्रेकफास्ट है, इनके सब, इन सब के साथ भी ए और एन का यूज़ नहीं होता है। अब जैसे अब नेक्स्ट है आपका डी, द यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स मीन्स यूनिक थिंग्स, ठीक है। अब यूनिक थिंग्स के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल मीन्स द का यूज़ करेंगे। इनडेफिनेट कौन से थे, ए और एन, और डेफिनेट कौन से हैं, द। तो यहाँ पे द सन, द सी, द स्काई, जो इस दुनिया में एक ही है, यूनिक है, ठीक है। सन भी एक ही है, अर्थ भी एक है, ईस्ट सन, दिशा भी एक ही है, ईस्ट एक ही दिशा है, इसके अलावा कोई और नहीं है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, सब अपने अपना, सबका नाम है, सबका अपना अपना काम है, ठीक है। पर्टिकुलर पर्सनस और थिंग्स, किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी चीज़ के बारे में बात हो रही हो, कि उसी पर्सन के बारे में बात हो रही हो, जैसे द मैन यू मैट यस्टरडे इज़ माई अंकल, वो मैन जिससे कि तुम कल मिले थे वो मेरे अंकल है, मतलब वही आदमी मेरे अंकल है जिससे कि तुम कल मिले थे, इसीलिए मैन के साथ द आया। पर्सन्स और थिंग मैंशन फॉर द सेकेंड टाइम, अगर सेकेंड टाइम हम कुछ यूज़ करते हैं, अगर एक ही चीज़ को अगर हम दो बार यूज़ कर रहे हैं, तो दूसरी बार हम उसके लिए द यूज़ करेंगे। जैसे आई वेंट टू अ होटल, मैं एक होटल में गया, द होटल इज़ वेरी नीट, वो जो होटल था वो कैसा था, बिल्कुल नीट था, बिल्कुल साफ़ सुथरा था। अब उसी होटल के बारे में बात करें तो हमने क्या लिखा, द। सिंगुलर नाउन्स रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास, अब देखो सिंगुलर नाउन, एक ही नाउन के बारे में बात हो लेकिन वो दिखाए पूरी क्लास को, पूरे ग्रुप को शो करे, तो वहाँ भी द यूज़ होता है। जैसे द टीचर शुड नो द साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट्स, द टीचर, टीचर को पता होना चाहिए स्टूडेंट की साइकोलॉजी का, मीन्स यहाँ पे एक टीचर के बारे में बात हो सकती है, सारे टीचर्स के बारे में भी बात, देखो यहाँ पे द लगा दिया मीन्स एक टीचर के बारे में बात हो रही है, एक पर्टिकुलर टीचर के बारे में, लेकिन ये डिनोट किसको कर रहा है, टीचर, तो टीचर में तो सभी टीचर आ गए, ठीक है, पूरे ग्रुप को डिनोट कर रहा है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आया आपका, द आया। अगर आप रिवर्स की बात करो, सीज, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, माउंटेन रेंज, ओशियंस, ठीक है, इन सब के आगे भी हमेशा द लगता है, जैसे द गंगा, द पैसिफिक ओशियन। अब जैसे वेल नोन बुक्स हैं, जैसे कि द बाइबल, द वेदास, द रामायण, द गीता, ठीक है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स है, द टॉलेस्ट, द लार्जेस्ट, द बिगेस्ट, EST एडजेक्टिव्स आ रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, तो द लगता है। डायरेक्शंस के बारे में बात हो रही है, द नॉर्थ, द ईस्ट, द साउथ, ठीक है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जैसे कि ताजमहल है, रेड फोर्ट है, द लगेगा। न्यूज़पेपर और मैगजीन के बारे में बात होगी, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। कंट्रीज़ के बारे में बात होगी, द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम। फेमस हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में बात, जैसे द रिपब्लिक डे, द इंडिपेंडेंस डे। नेशनैलिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, द फ्रेंच, द इंडियंस, द हिंदूज। ट्रेन्स, शिप्स एंड एरोप्लेन्स, द राजधानी एक्सप्रेस, द विक्टोरिया। ऑर्डिनल्स, द फर्स्ट, द लास्ट, द नेक्स्ट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात हो रही हो तो द वायलिन, द फ्लूट, द वीणा। अगर कंपैरेटिव डिग्री
अगर सिलेक्टिव सेंस में यूज हो, जैसे कि रीमा इज द वाइजर ऑफ द टू सिस्टर, मीन्स कंपैरिजन हो रहा है कि दोनों सिस्टर्स में से सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है, सबसे ज्यादा वाइजर कौन है, रीमा है. तो रीमा इज द वाइजर ऑफ द टू सिस्टर्स. जब दो के बारे में दो को लेके कंपैरिजन होगा तो यहाँ पे क्या लगेगी हमारी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ईयर. द वर्ड्स मैन एंड वुमेन आर नॉट यूज्ड विद द दा. अगर आपके वर्ड आते हैं मैन और वुमेन तो इनके आगे कभी भी दा नहीं लगता है, ये आपके एज इट इज यूज होंगे. मैन इज अ सोशल एनिमल, वुमेन हैज ग्रेटर एबिलिटीज. ओमिशन ऑफ द आर्टिकल. अब देखो कहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, अब आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है. जैसे कि प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन. प्रॉपर नाउन जैसे कि जो प्रॉपर है और कोई नहीं है उनके अलावा, यूनिक है भी चीज़ें जैसे जापान है, दिल्ली है, श्रीदेवी एक ही है, ये पर्सन, ये पर्सनालिटीज़, ये इन जगहों के बारे में जो बात हो रही है, इंडिया एक ही है इस संसार में और कोई नहीं है, तो प्रॉपर नाउन है. इनके साथ कभी भी आपका आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, ना तो ए होगा, ना एन, ना द. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो अभी हमने बात करी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में कि जो हमारी फीलिंग्स को दिखाते हैं, ठीक है, तो उनके साथ भी कभी भी आपका आर्टिकल यूज़ नहीं होगा. कॉमन नाउन आम चीज़ों के बारे में बात हो रही है, बुक, पेन, फ्लावर, हाउस. मटेरियल नाउन ग्लास, शीट, क्लोथ, कॉपर, ठीक है, इनके साथ भी आपका आर्टिकल नहीं आएगा. मैन वुमेन के साथ भी आर्टिकल नहीं आना. लैंग्वेज, किसी कोई भी लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है, चाहे वो इंग्लिश है, हिंदी है, तमिल है, ठीक है, चाइनीज़ है, कोई भी है, तो वहाँ भी आपका आर्टिकल यूज़ नहीं होगा. अगर बिल्डिंग्स के बारे में बात हो रही है, जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, ठीक है. बट एन आर्टिकल इज़ यूज्ड इफ़ दे आर कंसिडर्ड एज प्लेसेस. लेकिन आर्टिकल वहाँ यूज़ हो जाता है किसी भी बिल्डिंग के साथ जब उसको एज अ प्लेस कंसिडर किया जाए. जैसे कि आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड. मैं हॉस्पिटल गया अपने फ्रेंड को देखने के लिए, ठीक है, मतलब हॉस्पिटल जो था अब यहाँ स्पेशल हो गया कि मेरा फ्रेंड वहाँ एडमिट है तो मैं उसको देखने के लिए गया, इसीलिए वहाँ पे आपका क्या आया, द हॉस्पिटल. रिलेशंस के बारे में बात हो रही हो कि आपका किसी का किसी के साथ रिलेशन है तो वहाँ भी आपका कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता. जैसे मदर गिव बर्थ टू मी, चिल्ड्रन मेक एवरी होम अ हैप्पी फैमिली, ठीक है, तो यहाँ पे मदर है, चिल्ड्रन है, ठीक है, इनका रिलेशन है हमसे, ठीक है, तो इनके साथ भी कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा. यूनिक पोस्ट के बारे में बात हो रही हो, ठीक है, यूनिक पोस्ट मीन्स, अब यहाँ पे देखो यूनिक पोस्ट जो कि एक ही है, यहाँ पे आपका पर्टिकुलर द यूज़ होगा. ही बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, शी वॉज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द कंपनी. अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल तो कॉलेज या स्कूल में एक ही होता है, तो इसीलिए यहाँ पे द आर्टिकल आएगा. अब ध्यान रखना कि यूनिक पोस्ट के साथ आपका आर्टिकल आएगा, ठीक है. और नेम ऑफ द मील्स, नेम ऑफ द गेम्स, नेम ऑफ द डिजीज, इन सभी के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होगा. मील्स मीन्स लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, गेम्स, क्रिकेट, टेनिस, चेस, डिजीज, फीवर, मलेरिया, कैंसर, इन सभी के साथ आर्टिकल नहीं आएगा. अब कलर्स के बारे में बात हो रही है तो उनके साथ भी आर्टिकल नहीं आएगा. वाइट, येलो, ग्रीन, नहीं आएगा आर्टिकल. नेम ऑफ द सेंसेस, सीजन, डेज, मंथ्स, अगर डेज, मंथ, सीजन, इन सब के बारे में बात हो रही हो तो भी आपका आर्टिकल यूज़ नहीं होगा. जैसे मार्च इज़ द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर, वी गो टू कश्मीर इन समर, ठीक है, हम कश्मीर गए थे समर में, ठीक है, तो यहाँ पे देखो समर में गए थे वे कश्मीर, तो समर यहाँ पे सीजन के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं होगा. अब नेचर और सोसाइटी, नेचर और सोसाइटी के बारे में बात हो रही हो, नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन, सोसाइटी, इनके आगे भी आपका आर्टिकल यूज़ नहीं होगा. अब मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी, ठीक है, तो एक्सरसाइज दी थी आपने कर ली होगी. देखो ये जो पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको दी थी ये आपके इन्हीं सारे रूल्स के ऊपर आपकी डिपेंड करती थी, तो अगर आपने रूल्स अच्छे से किए होंगे तो आपको ये एक्सरसाइज भी आ गई होगी. ओके, आपकी एक्सरसाइज वन थी फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स. फर्स्ट में आपका आएगा आयरन इज अ यूजफुल मेटल. अब देखो मैं आपको आंसर्स यहाँ पे बता रही हूँ, आप अपने मैच कर सकते हो. यहाँ पे अ यूजफुल मेटल, माय फादर इज एन ऑनरेबल मैन, ऑनेस्ट मैन, स्पीक द ट्रुथ्स. त्रिपाठी इज अ होली, सॉरी, तिरुपति इज अ होली प्लेस. डू यू लुक एट द ब्लू स्काई, I first met Kumari an year ago. My friend is a European. Year की आवाज़ है, ठीक है, year क्या है आपका, consonant sound है, European, year, इसीलिए आपका आया a European. Next, Sri Lanka is an island. Let us consider a
problem in detail. Sanskrit is a difficult language. अब देखो यहाँ पे The French defeated the Germans. अब यहाँ पे particularly उन्हीं French के बारे में बात हो रही है, French के रहने वाले जो लोग हैं जिन्होंने defeat किया था Germans को, ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पे आपका the आया, यहाँ पे particular French के बारे में ही बात हो रही है इसीलिए आपका the article आएगा. Next, which is the latest star in India? Madhavi is an attractive girl. We never saw such a terrible accident. We read the Bible daily. Okay. Next है आपका question number 2. Correct the following sentences. अब ये sentence दिए थे, इसमें आपको अपने आप इसमें article लगाना था, ठीक है. तो first one is Madhu has a beautiful face. Beautiful से पहले A आएगा. Camel is the ship of desert. Desert के आगे the नहीं आता है, the को आप हटा देना, ठीक है. तो देखो जिस सेंटेंस में आपको आर्टिकल लगाना है वहाँ आप उसको लगाओगे और जहाँ से रिमूव करना है वहाँ से आप उसको हटा दोगे, ठीक है. नेक्स्ट है आपका रितु इज एन एफिशिएंट टीचर. माय अंकल इज एन एमपी. मदर टेरेसा वाज नोटेड द सोशल वर्कर. What a great thing he has done. अब देखो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है इसीलिए यहाँ पे आया what a great thing. नेक्स्ट है आपका आई गेव हर अ लॉट ऑफ मनी. ही टॉक्ड अ ग्रेट डील ऑफ थिंग्स अबाउट मैरिज. शी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल गर्ल. ही गेव मी एन एडवाइस. ये आपका ठीक है, इसमें कोई भी आपकी मिस्टेक नहीं है, ठीक है. तो इस तरह से भी आ सकते हैं कि जिसमें कोई मिस्टेक ही नहीं है या किसी में आपका ए एन द नहीं लगेगा, तो इस टाइप से भी आपका फिलअप हो सकता है. किसी में तो होगा आपका ए लगेगा, किसी में एन लगेगा, किसी में द लगेगा, और कोई कोई आपका एक या दो आपके सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा. जैसे मैंने आपको रूल्स में कराया ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, मीन्स जहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आर्टिकल आपको नहीं लगाना है. तो इस चीज़ अभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है. तो अब मैंने आपको ये आर्टिकल सारे रिवाइज करा दिए हैं आपकी, मैंने एक्सरसाइज भी मैच करा दिया जो आपको पहले दी थी. अब मैं आपको एक वर्कशीट दे रही हूँ जो आपको प्रैक्टिस के लिए घर पे ही करनी है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ये जो सेंटेंस आपको दिए हुए हैं इसमें आपको ए एंड द, ठीक है, कहीं जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ लगाना है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं लगाना है, या कुछ गलती है तो उसे ठीक करना है क्योंकि इसमें लिखा है करेक्ट करो इन सेंटेंसेस को. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन एंड द. अब यहाँ पे फिलअप है, इसमें आपको ए एन द भरना है. कोई आपका सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपका कोई भी आर्टिकल ना आए, तो ये आपको पहले रूल रिवाइज करने हैं, उसके बाद आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करनी है. क्वेश्चन नंबर 3 है इंसर्ट आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी. यहाँ पे आपको सेंटेंस अच्छे से रीड आउट करना है, देन यू विल एड ऑन आर्टिकल. ओके, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आर्टिकल आएगा वहाँ आप आर्टिकल लगाओगे, ठीक है. तो ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं इन योर वर्कशीट. ओके, सो प्लीज़ डू प्रैक्टिस एंड रिवाइज द रूल्स ऑफ आर्टिकल्स. एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम एनी डाउट देन यू गिव कमेंट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो. ओके, थैंक यू एंड टेक केयर.